अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप हरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 लेक्चर नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 181। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 181। डैश एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए वास्ट पीस ऑफ लैंड आई ई वीट। कौन सा एग्रीकल्चर है जिसको हम ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर काश करते हैं, जैसा कि गंदम वगैरह? तो इसका सही जवाब है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। 182 है, द प्लेन्स ऑफ कैनेडा कजाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेमस फॉर। कैनेडा कजाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेन्स हैं ये मशहूर है किस चीज़ के लिए? ये एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए मशहूर है, ऑप्शन नंबर सी। अगेन इसका सही जवाब है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। 183 है, इन डैश टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन एट लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पजेज आई ई वीट मेज एंड कॉटन। किस एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए बहुत बड़े हिस्से पे काश्त करते हैं, जैसे कि वीट काश्त करते हैं, मेस होता है, कॉटन होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है इसमें हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पसेस। अब एमसीक्यूज 184 है, एनी क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल पर यूज इन फैक्ट्रीज इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जब हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के लिए, उसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 185 है, डैश इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच मोर देन वन क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए पीस ऑफ लैंड एट वन टाइम आई ई शुगर कैन। तो इसको कहते हैं मिक्सड फार्मिंग। मिक्सड फार्मिंग टाइप है जिसमें हम एक क्रॉप को एक ही वक्त में ज़मीन के टुकड़े पर ग्रो कर काश्त करते हैं, यह है मिक्स्ड फार्मिंग। एमसीक्यूज 186 है, डैश और द क्रॉप्स वी यूज देम ओवर फूड। कौन से क्रॉप है जिसको हम बतौर अपने खुराक इस्तेमाल करते हैं? इसका सही जवाब है कैरियल क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी। 187 है, आइडेंटिफाई द टू प्रोमिनेंट क्रॉप्स बोथ आर यूज एज फूड बाय लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो दो जो है वो वीट एंड राइस है, ऑप्शन नंबर सी। 188 है, देयर आर डैश क्रॉप सीजन इन पाकिस्तान। हमें पता है कि दो क्रॉप सीजन है, टू इसका सही जवाब है, एक रबी है एक खरीफ है। 189, द डैश क्रॉप आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर आई ई वीट बार्ले मस्टर्ड एट्सेट्रा। वो कौन से क्रॉप है जिसको हम सोन करते हैं विंटर में और फिर समर में हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कि वीट बार्ले मस्टर्ड वगैरह? वो होते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स हमेशा उसको हम विंटर में सोन करते हैं, काश्त करते हैं, जबकि समर में उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए रबी इसका सही जवाब है। 190 है, द डैश क्रॉप आर सोन इन समर एंड हार्वेस्ट इन विंटर। इसके बरक्स खरीफ जो है उसको हम समर में सोन करते हैं और विंटर में हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कॉटन मेज वगैरह, शुगर कैन भी इसमें आता है, राइस भी इसमें आती है। 191 एमसीक्यूज है, इन डैश क्रॉप्स वीट रेस मेज शुगर कैन एंड मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। ये जो है इतने भी बयान किए हैं, वीट है, राइस है, मेज शुगर कैन है, ये कैरियल या एडिबल क्रॉप्स है। 192 है, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। वीट जो है ये इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर ए। 193 है, डैश इज़ द सेकंड बिग क्रॉप इन पाकिस्तान। राइस, चावल जो है ये दूसरी सबसे बड़ी क्रॉप है, राइस सही जवाब है इसका। 194, द डैश ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स टेस्ट एंड स्वीट स्मेल इट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन सी चीज़ जो है पाकिस्तान की जो अपने खुश जायके और बेहतरीन स्मेल की वजह से दुनिया भर मशहूर है? ये बासमती चावल है, ये बासमती राइस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बासमती राइस। 195 है, डैश इज़ फेमस फॉर शुगर कैन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। मर्दान जो है ये शुगर कैन के लिए मशहूर है, शुगर कैन जो है ये एक अहम कैश क्रॉप है। मर्दान जो है ये शुगर कैन का सेंटर है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है शुगर कैन की ये मर्दान में वाकई है, मर्दान इज सिचुएटेड एन के पी के। 196 है, मेज़ इज़ ग्रोन इन डैश रीजन विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। मेज़ को हम कौन से रीजन में ग्रो करते हैं इरीगेशन की मदद से? एरिड रीजन जो होते हैं यहाँ पे मेज़ अच्छे से ग्रो होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, एरिड रीजन। 197 है, डैश की बेटर प्रोडक्शन इन ड्राई एंड सैंडी लैंड। ग्राम जो है ये हमें बेटर प्रोडक्शन देता है ड्राई और सैंडी लैंड में, ग्राम, ऑप्शन नंबर सी। 198, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड बिग कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। काटन जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैश क्रॉप है। 199, इन द प्रोविंस ऑफ कीपी के डिस्ट्रिक्ट डैश आर द सेंटर ऑफ टोबैको प्रोडक्शन। मर्दान और स्वाबी जो है ये टोबैको प्रोडक्शन के सेंटर है कीपी के में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मर्दान एंड स्वाबी
200 इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेश आर सेंटर ऑफ टोबैको प्रोडक्शन। पंजाब के प्रोविंस में फैसलाबाद और साहिवाल जो है ये सेंटर है टोबैको प्रोडक्शन के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। एन एम सी क्यू 201 इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट डेश आर सेंटर ऑफ टोबैको प्रोडक्शन। बलोचिस्तान में कौन से दो अजला है जो टोबैको प्रोडक्शन के सेंटर हैं? ये मस्तूंग और कालात हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, मस्तूंग एंड कालात। एंड 202 द केनाल सिस्टम ऑफ डेश इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट केनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान का केनाल सिस्टम जो है दुनिया का सबसे बड़ा केनाल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान इसका सही जवाब है। 203 इन सम पार्ट ऑफ बलूचिस्तान इरीगेशन इज डन थ्रू करेज के जरिए इरीगेशन होती है। हमें पता है बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, करेज। 204 डेश इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड ऑफ इरीगेशन। वेल और पर्शियन वेल जो है कुएं, ये इरीगेशन का सबसे ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है। ऑप्शन नंबर बी। 205 इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान डेश हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड यूज फॉर इरीगेशन। ट्यूबवेल जो है ये अभी तक पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलाकों में इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी वजह से इरीगेशन होती है। ट्यूबवेल इसका सही जवाब है। 206 तांदा डैम इज़ लोकेटेड इन तांदा डैम वाक़ है कहाँ पर? ये कुहाट में वाक़ है। ऑप्शन नंबर सी की पी के में। 207 व्हेन सम वाटर एब्जॉर्ब बाय द लैंड राइजेस स्लोली एंड रीचेस द आउटर सरफेस इट इज़ कॉल्ड। इसको फिर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाटर लॉगिंग। जब वो ज़मीन जो है कुछ पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में वो स्लोली जो है ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है और ऊपर आ जाता है तो फिर उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। 208 है व्हेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड इज एवेपोरेटेड ड्यू टू हीट एंड द डिजॉल्वड साल्ट रिमेन ऑन द सरफेस, ये पर इसको पर सेलिनिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, सेलिनिटी। 209 अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंसदानों के मुताबिक आफ्टर एवरी डेश मिनट एन एकड़ ऑफ लैंड इज बिकमिंग बैरन ड्यू टू वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी। तकरीबन पाँच मिनट में, हर पाँच मिनट में एक एकड़ लैंड जो है ये सेलिनिटी की वजह से और वाटर लॉगिंग की वजह से बंजर हो रही है। 5 मिनट्स इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। 210 है डेश इज़ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कौन सा इसमें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो है इनमें से मिनरल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, मिनरल। MCQs 211 है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल इज कॉल्ड, जब हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं गारों से तो इसको कहा जाता है माइनिंग। ऑप्शन नंबर बी। 212 है इन पाकिस्तान अ बिग माइन ऑफ साल्ट इज लोकेटेड एट, कहाँ पे वाकया है बड़ा माइन साल्ट का? ये वाकया है केवड़ा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। MCQs 213 है इन द गोल्ड माइन ऑफ डैश अबाउट 50,000 माइनर्स आर वर्किंग, कहाँ के सोने के कानों में तकरीबन 50,000 मजदूर जो है वो काम करते हैं। साउथ अफ्रीका की सोने की कानें जो है वो बहुत मशहूर है, यहाँ पे तकरीबन 50,000 मजदूर काम करते हैं। 214 देर आर डैश टाइप्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग की कितनी अकसाम है? माइनिंग की अकसाम है 5, देर आर 5 टाइप्स ऑफ माइनिंग। ऑप्शन नंबर बी। 215 है समटाइम्स मिनरल आर प्रेजेंट एट अ शेलो डेप्थ द परमिट लेयर आर रिमूव्ड बाय शोवल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन पिट माइनिंग, कहते हैं कि जो मिनरल होते हैं वो नीचे होते हैं, ऊपर का मटेरियल जो है वो हटाया जाता है शोवल या किसी और जरिए से, जैसे कि हम कूल को निकालते हैं, तो कहते हैं किस तरीके को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन पिट माइनिंग। व्यूअर्स ये था लेक्चर नंबर 7 ज्योग्राफी 7 में, बाकी MCQs को हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।